60 के दशक में बॉलीवुड एक्ट्रेस अंजू महिंद्रू और वेस्ट इंडीज क्रिकेटर सर गैरी सोबर्स के अफेयर ने खूब सुर्खियां बटोरी। राजेश खन्ना से प्यार में धोखा खाने के बाद अंजू की मुलाकात 1966 में गैरी सोबर्स से हुई। काफी समय तक दोनों साथ में रहे, लेकिन दोनों का रिलेशनशिप शादी में नहीं बदल पाया। एक इंटरव्यू के दौरान अंजू महिंद्रू ने खुद बताया कि उनकी गैरी से मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के घर पार्टी में डांस के दौरान हुई थी। अंजू के मुताबिक सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक दिन अचानक गैरी सोबर्स ने उन्हें प्रपोज कर दिया और अंगूठी पहना दी। अंजू की माने तो वो गैरी को अंगूठी वापस लौटाना चाहती थी, लेकिन अगली ही सुबह गैरी लंदन चले गए। अंजू के मुताबिक इंग्लैंड में गैरी की मुलाकात एक महिला से हुई थी जिससे वे शादी करना चाहते थे। इंग्लैंड के कानून के तहत एक महिला से रिश्ते होने की स्थिति में किसी अन्य महिला से शादी नहीं की जा सकती। गैरी को उस महिला से शादी करने के लिए अंजू की तरफ से सगाई तोड़ने के लिए एक लेटर की जरूरत थी। अंजू ने गैरी को सगाई तोड़ने का लेटर भेज दिया था, जिसके बाद दोनों अलग हो गए। लेकिन गैरी सोबर्स अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस रिश्ते के खत्म होने की वजह कुछ और ही बताते हैं। गैरी की माने तो अंजू का परिवार नहीं चाहता था कि अंजू की शादी किसी अश्वेत से हो। अब दोनों के बीच प्यार था या नहीं, ये बात तो अंजू और गैरी ही सही सही बता सकते हैं। लेकिन खेल के मैदान में दोनों की केमिस्ट्री ने लोगों को खूब लुभाया। गैरी सोबर्स अक्सर अंजू महिंद्रू और उनकी फैमिली को मैच देखने के लिए इनवाइट किया करते थे। टीम के उपकप्तान होने के बावजूद गैरी मैच के बीच में अंजू महिंद्रू से मिलने फील्ड से बाहर आ जाया करते थे।